अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। कौमी एक्शन प्लान के हवाले से आज इस्लामाबाद में एक बार फिर एक आला सतह का इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने की। और आज के इजलास में ये फैसला हुआ कि एक और आला सतह की एक टास्क फोर्स कायम की जाएगी, जो कौमी एक्शन प्लान के ऊपर पेशरफ्त की निगरानी करेगी। ये यकीनी तौर पर एक अहम फैसला है, मगर इस फैसले के साथ ही बहुत से ऐसे सवालात हैं कि जिसके जवाब इस इजलास में नहीं मिले, जिसकी तवक्को बहुत से लोग कर रहे थे कि जब इतने आला सतह का इजलास हो रहा है तो यकीनी तौर पे ये आवाम को जानने को मिलेगा कि डेढ़ साल तक कौमी एक्शन प्लान के ऊपर अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है, और जिन मामलात पे पेशरफ्त नहीं हुई उसकी क्या वजूहात हैं, और उसके कौन लोग हैं और या कौन से इदारे हैं जो कि ज़िम्मेदार हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक आला सतह की टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया गया है। आखिर ये टास्क फोर्स क्या होगी, किस सतह की होगी, इसकी सरबराही कौन करेंगे, और क्या ये टास्क फोर्स उस फोरम से मुख्तलिफ होगी जिस फोरम का आज इजलास हुआ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसकी सरबराही की? क्या ये मुमकिन नहीं था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में हर हफ्ते या हर महीने कौमी एक्शन प्लान की निगरानी के लिए ऐसे ही इजलास होते और तमाम आला सतह के जो हुक्काम हैं, जो कि आज के इजलास में शरीक थे, वो ज़ाती तौर पर कौमी एक्शन प्लान के ऊपर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेते, अहकाम जारी करते, हदायात जारी करते और मज़ीद उस पर गौर व खोज करते? ये वो सवालात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मगर कौमी एक्शन प्लान के हवाले से कुछ सियासतदानों और पार्लियामेंटेरियंस ने भी अपनी राय दी है कि डेढ़ साल बाद, अब जबकि हमें सानहा कोटा के बाद कौमी एक्शन प्लान की एक बार फिर ज़रूरत पड़ी है, उस पर गौर करने की ज़रूरत पड़ी है, और अब डेढ़ साल बाद टास्क फोर्स भी बनाने की बातें हो रही हैं, तो डेढ़ साल के दौरान कौमी एक्शन प्लान के हवाले से वो क्या सोचते हैं, देखते हैं पार्लियामेंटेरियंस नैप के हवाले से, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद मेहमानों का तारफ। एक्शन प्लान में भी काफ़ी उसके सूदमंद हम देख रहे हैं कि नतीजे तो आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये इतना क्रॉनिक मसला बन गया है कि इस पर काबू पाना तो ज़ाहिर है इट टेक्स टाइम, लेकिन काफ़ी हद तक हमें इसमें पेशरफ्त मिल रही है। अगर उसको इम्तिहान के पर्चे के तौर पे देखा जाए तो ये फेल हुए हैं, 25% नंबर हैं इनके, यानी कि 25% चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कुछ काम हुए हैं और 75% चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कोई काम नहीं हुआ, और इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर उस पर काम हो जाता तो बहुत बेहतरी हो जाती। ये इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिक्योरिटी इदारों की और गवर्नमेंट की, उस वजह से वो मजबूत होते जा रहे हैं दहशतगर्द, हम वीक होते जा रहे हैं। जब तक इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो ये हालात होंगे। आज तक कौमी असेंबली को नेशनल एक्शन प्लान के बारे में ना ब्रीफ किया गया ना बताया गया है। आपने सुना पार्लियामेंटेरियंस की राय, और अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे जो अहम सियासतदान हैं, मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी ये बयान दिया गया है कि पार्लियामेंट ही वो वाहिद फोरम है जो कि कौमी एक्शन प्लान के हवाले से बेहतर निगरानी कर सकती है, और पार्लियामेंट ही को अख्तियार मिलना चाहिए और पार्लियामेंट कभी गलत फैसले नहीं करती। ये भी एक तजवीज़ है कि पार्लियामेंट एज अ होल जो है कौमी एक्शन प्लान के ऊपर बाकायदगी से मीट करे और फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट में ही बहुत से फैसले होने चाहिए। मेहमानों का तारफ कराते चलें, हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अमजद अली खान जो कि रुकन कौमी असम्बली है तहरीक इंसाफ के, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अखंडज़ादा चट्टान साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं डॉक्टर उमेश कुमार, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून हुक्मरान जमात से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आज जबकि टास्क फोर्स की बात की गई है वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इस इजलास में, तो डेढ़ साल बाद अब ये टास्क फोर्स की बात क्यों, इसकी ज़रूरत पड़ी, और पहले टास्क फोर्स क्यों ना बनाई गई? अगर वो टास्क फोर्स बन जाती तो शायद जो है सूरत हाल कुछ बेहतर होती। देखिए, आपने जो पहली चीज़ ये कि जो क्लिपिंग दिखाई पार्लियामेंटेरियन की, मुझे बहुत अफसोस हुआ शफकत महमूद साहब की, जो उनकी स्टेटमेंट थी कि ये फेल हो चुके हैं, वो नहीं देखते कि इसी नेशनल एक्शन प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन में उनके पास भी एक सूबा है जो के पी के, वो पीटीआई के पास है नेशनल एक्शन प्लान, वो खुद बताया कि वहाँ पर उसने तो फेल अगर हुआ है तो के पी के भी फेल हो गया उसके अंदर,
ऐसी बातें करना मुझे समझ में नहीं आती है, ऐसे पॉलिटिशियन आके बातें कर देते हैं। हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान आज उसको तकरीबन कोई 18 महीने के करीब हो गए हैं, 18 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल हुआ, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। आप जो चौधरी निसार साहब की जो स्पीच थी जो एक हकीकत के ऊपर मबनी थी, मगर वो हकीकत यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हमें आज ये ज़रूर बैठ के ये सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए कि इन 18 महीनों के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि ये 20 निकात जो एजेंडा थी हमारी, उसके अंदर कौन सी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हमारी नहीं हुई। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो उसकी रुकावटें क्या थी और उन रुकावटों को कैसे ख़त्म किया जाए, और इन 20 पॉइंट्स में और कौन सी पॉइंट है जिसको हम और ऐड करें, मगर कम से कम इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म करें। आज हमारी तजावीज़ होनी चाहिए, वो तजावीज़ होनी चाहिए, मगर हम कहें कि जो इदारे इस मुल्क की खिदमत करें, जो इदारे इन बॉर्डरों के अंदर, देखो ना, एक फाटा के अंदर सबसे ज़्यादा ये मसला था। आपने देखा कि फाटा को उन्होंने ज़रब अज़ब की जो शुरुआत की, उन्होंने उनको क्लियर किया। जब क्लियर किया तो जब भी ऐसी ऑपरेशन होती है तो उनके ही डिस्पर्समेंट जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में होती है, और यही चीज़ थी जब कराची ऑपरेशन चल रहा था, बार बार कहा गया भाई कराची ऑपरेशन चल रहा है, ये दहशतगर्द सिंध में जा रहे हैं, उन चीज़ों को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर हम आपको पावर नहीं दे सकते। आज उसी सूबे में फैसिलिटेटर बैठे हुए हैं जिसकी बार बार निशानदेही की गई डीजी रेंजर्स की तरफ से, जब उसकी बात की जाती है तो कहते हैं कि हमारे लोगों को नाकामी सब। मैं समझता हूं, नहीं, मैं समझता हूं कि हमें इस मौके के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। इस मौके के ऊपर मेरी आज 11 अगस्त की स्पीच थी। आज हकीकत में 11 अगस्त जो है नॉन मुस्लिम के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, जिस दिन का जिस, मगर मैंने आज भी ये अहद किया कि आज भी हमें पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी कौमें रहती हैं, वो सारी मिलके इस धरती की हिफाजत करें। धरती माँ होती है और उसकी हिफाजत करें। हमें मिलके जो प्लस में पॉइंट है, एक सवाल है जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि टास्क फोर्स की ज़रूरत 1.5 साल बाद क्यों पड़ी, और ये किस किस्म की टास्क फोर्स होगी, इसकी सरबराही कौन करेगा, और ये 1.5 साल तक बगैर टास्क फोर्स से कौमी एक्शन प्लान को कितना नुकसान हुआ है। देखें, पहले भी आपको मैं बताऊं, उसको जो मॉनिटर कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रहा था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसको देख रहा था, हर सूबे के अंदर GOC और कोर कमांडर उसको देख रहे थे, और उसके नहीं, सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी। अब इसके अंदर अगर कहीं पे कोई कमी पेशी नजर आई है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमने जो 2 साल का जो टाइम दिया है, उस 2 साल के अंदर हम अपने टाइम के अंदर इसको पूरा करें। जहां पे जो फ्लॉज नजर आए हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए, टास्क फोर्स कैसी होगी, वो देखिए। टास्क फोर्स की मैं नहीं समझता हूं, अभी इस वक्त आज जो मीटिंग के अंदर बातें हुई है उसके अंदर ये हुआ है कि हम चारों सूबों के चीफ मिनिस्टरों को दोबारा बुला के उनके साथ दोबारा मशावरत करके कि उनको क्या मुश्किलात हैं और उनके साथ बैठ के हम तय करेंगे। आज की मीटिंग में कोई ऐसा डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है कि कल के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन, वो डिसीजन जो भी होगा चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जब इन्वॉल्वमेंट होगी, चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठेंगी, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन वहां पे करनी है। अगर आपको मदारिस की रजिस्ट्रेशन करनी है तो भी वहां पे करनी है। सतह पे, वफाकी सतह पर पहले ही एक टास्क फोर्स काम कर रही है, इसकी क्या जरूरत थी? नेशनल सतह पे भी एपेक्स कमेटी है और सूबाई सतह पे भी एपेक्स कमेटियां हैं जिसमें नेशनल सतह पे वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ होते हैं। तो आपके ख्याल में नेशनल एक्शन प्लान जो है अब 1.5 साल बाद इतना गैर अहम हो गया कि किसी टास्क फोर्स के हवाले कर दिया जाए? नेशनल पहले भी अहम था, आज भी अहम है। नेशनल एक्शन प्लान ने अपना काम करके दिखाया है और वो इसी दौर में हम कम करके कम्प्लीट। आपके ख्याल में ये टास्क फोर्स की जो बात हो रही है, चाहे आला सतह की है जो भी, आप क्या तवक्को करते हैं कि ये टास्क फोर्स पहले बननी चाहिए थी? अगर आप बन रही है तो किस सतह की होनी चाहिए, और क्या टास्क फोर्स की ज़रूरत थी इतने अहम आला सतह इजलास से और इतने अहम अहदेदारों के होते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इसका कोई बग़ैर ज़रूरत की बनाएगी। पहले फैसला हुआ था, जो नेशनल एक्शन प्लान बना था तो ये फैसला हुआ था कि हर 2 माह बाद इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के सरबराही में तमाम वज़ीर-ए-आला और फोर्सेस के जो लोग हैं इनके कंबाइन एक मीटिंग होगी और इसमें फैसला होगा और इसमें निगरानी होगी कि हम किस हद तक एपेक्स कमेटियां, तो सुबह में यहाँ पे विफाक में भी नेशनल एपेक्स कमेटी, ये नेशनल एपेक्स कमेटी बैठेगी और आपस में तय करेगी कि किस हद तक हमने सफ़र किया और हमें क्या क्या रुकावट है और उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
جو اجلاس تھا اس میں لوگوں کے جو توقعات تھے ایک توقع پہ بھی حکومت پورا نہیں اترا. سب سے پہلے توقعات تو لوگوں کو یہ تھے کہ آج وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پورے قوم کو بتائیں گے کہ ابھی تک اگر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ اس پہ بہت سارا عمل درآمد ہوا ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ کچھ حصوں پہ عمل درآمد ہوا ہے, لیکن آپ بنیاد دیکھ لیں. کچھ پہ آپ نے نہیں کرنے دیا کہ بنیاد کیا ہے. اگر ہم نے نہیں کیا کرنے دیا تو یہ بتا دیتے کہ ان لوگوں نے نہیں کرنے دیا ہمیں عمل کرنا. تو بنیاد دیکھے کہ ہم نے بنیاد کیا رکھا تھا, اور وہ بنیادی چیزیں جو تھے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. پہلا تو یہ کہ ان کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ہم اس چیز کو ختم کریں گے. دوسرا یہ کہ بین تنظیموں کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کو ہم سیل کریں گے, اور اس کو کسی دوسرے نام سے تنظیم کھولنے کے ہم اجازت نہیں دیں گے. ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے خود سے فرمایا تھا کہ 10% مدارس جو ہے وہ ملوث ہے دہشت گردی میں, کہ اس کے خلاف کاروائی ہوئی کوئی نہیں ہوئی, اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا, تو اس پہ بھی پورا وہ لوگ نہیں اترے. دوسرا لوگوں کی توقع یہ تھے کہ یہ قوم کو متحد کریں گے. تو وزیر اعظم صاحب نے اور چودھری نثار صاحب نے بجائے اس کے قوم کو متحد کرتے, سیاسی پارٹیوں کو متحد کرتے, اسمبلی میں ایک اس طرح کا رویہ رکھا, ایک اس طرح کا بیہیویئر کیا کہ قوم کو مزید منتشر کر دیا. وہ کیسے؟ نہ اپوزیشن کو, بجائے اس کے کہ یہ ان سوالوں کے جوابات دیتے جو قوم ان سے پوچھتے ہیں. جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے سارا ملبہ جو ہے کہ بھی گورنمنٹ پہ ڈال دیا اور اس چیز کو ادھر ڈائیورٹ کرنا چاہا. سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی جو کولیشن ہے محمود خان صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, اس پہ بھی چودھری نثار صاحب نے تنقید کیا, پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کیا کہ آپ کے دور میں بھی تو دھماکے ہو رہے تھے. ہم نے کب انکار کیا ہے, لیکن ہمارا پروگرس بھی تو دیکھ لے. ہمیں جو حکومت مل رہا تھا, سوات سے پاکستان کا ایجنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا, ٹرائبل ایریا سے ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا, عسکریت پسند مارگلا کے پہاڑوں تک پہنچ گئے تھے, اور کے پی کے حکومت کو تھریٹ ملا تھا کہ اتنے نہیں. وہ تو جنرل کیانی صاحب کے دور میں, جنرل کیانی کے وقت کی بات کر رہے ہیں نا آپ. میں پیپلز پارٹی کے دور کا بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا, تو ابھی جو کامیابیاں ابھی جو اچیو ہو رہی ہیں وہ نون لیگ کو ہی ہیں یا راجیش شریف صاحب کی؟ ہمارے دور میں, ہمارے دور سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا, نہیں میں ایسا دور تھا کہ یہ جنگ کو لوگ اپنا جنگ ہی نہیں سمجھتے تھے. یہ لوگ تو ابھی تک نہیں سمجھ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے اس دور میں ہم نے اس کا انرشپ لیا, جب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, جب ہمارے ایم پی اے زمینس شہید ہو گئے, جب ہم نے قربانیاں دی تو قوم آ کے اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ ایک ریاست کا جنگ ہے, یہ ہماری پوری قوم کا جنگ ہے, اور ہم نے تو ہمیں بھی تانے ملے. تو انہوں نے تانوں کے سوا, قوم کو منتشر کرنے کے سوا نہ قوم کو جواب دیا, نہ ہمیں کوئی امید دلایا کہ آئندہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور اس پہ کس طرح قابو پانا ہے. امجد صاحب, شفقت صاحب جو آپ کی پارٹی کے سرکردہ رہنما ترجمان بھی ہیں, ان کا یہ کہنا ہے 75% قومی ایکشن پلان میں وفاقی حکومت ناکام ہے اور صرف 25% کام ہوا اور یہ فیل ہوا ہے وفاقی حکومت. ڈاکٹر رمیش کمار کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کے صوبے کی ناکامی بھی شامل ہے, تو کچھ بتانا چاہیں گے کہ قومی ایکشن پلان کے حوالے سے آپ کے صوبے کی کیا ذمہ داریاں تھیں اور ان کو آپ نے کیسے نبھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدی اللہ بھائی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. سب سے پہلی بات یہ کہ اس ایشو پہ کوئی سیاست نہ ہوگی نہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے, ایک ایسی شیطان آنکھ کے خلاف آپ نے جد و جہد کرنی ہے جو ہر پاکستانی بچہ اس کے خلاف جد و جہد. آپ شفقت صاحب کے بیان پہ میں اسی پہ آتا ہوں. دیکھیں, نیشنل الیکشن پروگرام کے تین حصے تھے. ایک حصہ تھا کہ فوج نے اپنا کام کرنا تھا, ایک حصہ تھا جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے کام کرنا تھا, ایک حصہ تھا صوبائی حکومت نے کام کرنا تھا. ہم جو کہتے ہیں کہ فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے, تو اس کی وجوہات ہے. دیکھیں, اس کی وجوہات کیا ہے کہ کیا گورنمنٹ آج جو وقوعات ہوئے ہیں, کیا گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری نبھائی؟ ویسے یہ کہہ کے آپ پھر سیاست نہیں کر رہے؟ نہیں نہیں, ہم نہیں کر رہے سیاست. آپ نے کہا سیاست نہیں کرنی چاہیے. سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے. فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے, نہیں ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ ہے. اچھا, فوج کا کوئی قصور نہیں؟ نہیں, اس کی وجہ ہے نا کہ گورنمنٹ تو اپنا کام اگر کرتی تو آج یہ نوبت نہ آتی. ہم تو آپ کی بات پوچھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں آپ. اچھا, دوسری بات, کے پی میں آپ دیکھ لیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بیان دیا کہ
हम KPK में इनको शिकस्त दे चुके हैं और इनका अब रुख जो है वो बलूचिस्तान में है, और उस चूँकि CPAC के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही है और वहाँ जहरी साहब ने बयान दिया कि रॉ मुलविस है। देखिए, अगर रॉ मुलविस है तो इंटरनेशनली आप कलभूषण जो था, इनका हैंडलर था, क्या उसको इंटरनेशनली आपने एक्सपोज किया? इनकी हुकूमती रुकन ने उस दिन तकरीर किया, ऐसे दो दिन पहले, कि जी अफगानिस्तान के अंदर जो है मीडिया हाउसेस को। चलें, लेट मी आस्क यू दिस, मुझे ये बताएं कि रेफ्यूजीज के ऊपर आपकी हुकूमत का क्या किरदार है और आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया? हम तो कब से कह रहे हैं कि कौमी एक्शन प्लान का एक हिस्सा था रेफ्यूजीज की रिपैट्रिएशन। तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को बार बार कह चुके हैं, हम तो टाइम फ्रेम देने पर भी तैयार नहीं थे। टाइम फ्रेम क्या, इमरान खान कह रहे हैं इनको जबरदस्ती नहीं भेजा जा सकता अफगानिस्तान। नहीं नहीं खान साहब, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने तो लिखा है, कह रहे हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन है, आप नहीं भेज सकते, खान साहब का बयान है। इमरान खान की अलग स्टेटमेंट है, उनकी अलग है। नहीं नहीं, अलग नहीं है खान साहब, मतलब हमारे लीडर हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हम, जैसा फिर आपसे शुरू करते हैं बात एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक अपना अपना गरेबान में। हम बात कर रहे हैं उस टास्क फोर्स की जो कि अब फैसला हुआ बनाई जाएगी ताकि कौमी एक्शन प्लान के ऊपर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके, उसकी निगरानी की जा सके। हमारे साथ मौजूद है अमजद अली खान, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। अमजद साहब, रेफ्यूजीज़ के हवाले से और KPK में कौमी एक्शन प्लान पे जो पेशरफ्त हो रही है, आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी आप तैयार हैं 31 दिसंबर तक सब माजरीन को निकाल देना चाहिए? कोशिश मतलब हमारी है कि आपकी पार्टी का मौकफ क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का मौकफ है कि इनको वापस भेजा जाए, जो कानून के दायरे में है उनको वापस भेजा जाए। और दूसरा, गवर्नमेंट देखिए जो कानून के दायरे में नहीं है, देखिए दो है ना, एक वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, एक वो लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। अब अनरजिस्टर्ड के बारे में आपके कानून क्या कहते हैं और रजिस्टर्ड के बारे में आपकी पार्टी क्या कहती है, दोनों को वापस भेजा जाए? हमने तो देखो, फेडरल गवर्नमेंट को KP गवर्नमेंट ने जो है वो ऑलरेडी लेटर्स भी लिखे हैं और चीफ मिनिस्टर ने अपने बयान भी दिए हैं, वो आपके नेशनल मीडिया पर आ चुके हैं, उसमें हमारा मौकफ बड़ा वाजे है। दूसरा, देखिए जी, हम जो कहते हैं नेशनल एक्शन प्रोग्राम के सिलसिले, हम कहते हैं कि इदारों जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आपकी पुलिस है, आपके इनको गैर सियासी बनाएं, इनको फॉल करें, इनका सिस्टम बेहतर करें, ताकि और फिर जो आप टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से आप काम करें, लेजिस्लेशन लेके आएँ, और एक जो वफाक ने जो काम करने हैं टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से, फिर अच्छा हम जैसा, लेकिन इसकी क्या मॉनिटरिंग कर रही है आपकी हुकूमत के जो सूबे की सतह पे कौमी एक्शन प्लान पे उनकी जिम्मेदारियां थी? मिसाल तौर पे जो KP के खैबर पख्तूनख्वा में जो एपेक्स कमेटी थी, वो कितनी बार उसने मीटिंग की है और सूबे के हवाले से? देखें, सबसे ज्यादा क्या, देखें इस पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो सूबा था वो KPK था। नहीं, लेकिन एपेक्स कमेटी मिली है या नहीं? देखिए, आपने एक सवाल किया कि उसके ऊपर कितना अमल दराव है। देखिए, आज चीफ आर्मी स्टाफ ने खुद नेशनल मीडिया के ऊपर आके बयान दिया है कि हम इन्हें KPK में शिकस्त दे चुके हैं इन लोगों को। अच्छा, उसकी क्या वजूहत है? उसकी यकीनन वजूहत यह है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना काम किया। इसका मतलब है एक कौमी एक्शन प्लान के हवाले से अब खैबर पख्तूनख्वा की मजीद कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी देखिए, कोई मुबारा नहीं हो सकता। आप हर वक्त अच्छे की तलाश में रहते हैं और अच्छा करते हैं, उसकी वजह है कि हमने बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर करना है। ये जो शैतानी आँख है इसको हर सूरत फोड़ना है, इस पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। इसके जो अमजद अली साहब ने दो हिस्से बताए कि एक मिलिट्री का काम है, फोर्सेस का काम है, दूसरा हिस्सा माइंड सेट के साथ लड़ना है जो सूबों ने और सिविलियन गवर्नमेंट ने लड़ना है, वो किसी भी सूबे ने नहीं किया है। इस माइंड सेट के खिलाफ, बल्कि अमजद अली साहब नाराज़ नहीं हुए, वहाँ तो मदरसों को 30-30 करोड़ रुपये दी गई बगैर किसी हिसाब के, बगैर किसी हिसाब के साथ जो इस जिम्र में आते हैं, जिसकी तरफ चौधरी निसार ने इशारा किया था, हम जिसका एक हिस्ट्री है, जिसका एक तारीख है। तो आप चकजई साहब के बयान की तरफ है या निसार साहब के? मैं ना चकजई के बयान की तरफ हूँ, सबसे पहले बात यह है कि चौधरी निसार ने खुद इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया कि 90% जो हमारे मदरसा हैं वो ठीक है और 10% एलिमेंट है।
देखिए हमने इनको मेन स्ट्रीम के अंदर लाना है, जो मदरसा है वो सबके लिए, सबको फंडिंग, और आपके लिए सूबाई हुकूमत के लिए भी चैलेंज नहीं हो रही है। सब नहीं कर रहे हैं, उसके पूरे प्लान आप देखेंगे, आप बजट देख लेना जी, आप बजट लेंगे, स्टार्ट किया है। मुझे वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो वाकई ये तालीम दे रहे हैं, अगर वो मेन स्ट्रीम में उन्हें ला सकते हैं तो हमें लाना चाहिए। मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काफी खर्चा कर रहे हैं आप, देखिए क्या वो पाकिस्तानी नहीं है। चले ये इसी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है माइंड सेट को को थोड़ा सा क्लियर। मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, हमें टेलीफोन लाइन पे ब्रिगेडियर नादर मीर, रिटायर्ड दिफाई जयकार हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, ये माइंडसेट के हवाले से बड़ा एक अहम सवाल आया है कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में जो हुकूमत ने एक मदरसे को जो एक बड़ी रकम दी है बजट में से एलोकेशन की है, तो क्या वो माइंडसेट को चेंज करने में मदद देगी, और ये माइंडसेट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा एक कितना बड़ा चैलेंज है? ये जो आप माइंडसेट की बात कर रहे हैं, माइंडसेट तो सारे पाकिस्तान में चेंज करने की जरूरत है, खैबर पख्तूनख्वा में तो करना है, लेकिन ये मसला इज नॉट लिमिटेड टू वन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट बनाई है जिसका मकसद है यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान, यही रिफॉर्म है। मसला ये है कि आपका दुश्मन अंदर भी है और बाहर भी है, दोनों मिलकर आपका मसला कर रहे हैं, तो ये खाली मदरसा इशू नहीं है, मदरसे तो पहले भी होते थे। और मिलिटेंट्स जो है दुनिया में, या जिसको नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, दुनिया में कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है आज की दुनिया में जिसके पीछे कोई स्टेट एक्टर ना हो। आप मुझे बताएं ना, कोई स्टेट नॉन स्टेट एक्टर किसी रियासत से लड़ सकता है, और उसको अगर पना ना हो, सपोर्ट ना हो, लॉजिस्टिक्स ना हो, सब कुछ, तो ये क्वेटा में जो हुआ है या इससे पहले जो हो रहा था, या अल्लाह ना करे इसके बाद जो होगा, उसमें हिंदुस्तान इंडिया करा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पोलिटिकल इलीट में हिम्मत नहीं है उस दुश्मन का नाम लेने की जो ये करा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने को। दिस इज योर प्रॉब्लम, सो माइंडसेट तो आप अपना चेंज करें ना, आप उनका माइंडसेट करें, आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट का माइंडसेट चेंज करें जो कॉम्प्रोमाइज है और पाकिस्तान की नंबर वन एनिमी है। पाकिस्तान की एनिमी इज द पॉलिटिकल लीड ऑफ पाकिस्तान से। ब्रिगेडियर साहब, आप पूरे पाकिस्तान के लेवल पे जो ब्रिगेडियर साहब एक सवाल ले लें, ब्रिगेडियर साहब एक सवाल ले लें, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादर साहब एक सवाल ले लें, आप अपने ब्रिगेडियर साहब एक सवाल भी ले लें। आपने बहुत लंबी आपने तकरीर की है, आप कोई मूवमेंट भी चला रहे हैं, हमें नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक सवाल भी ले भी लें, सवाल बर्दाश्त भी कर लें। बात यह है कि माइंड सेट जो है नंबर वन एनिमी करार देना किसी का राइट नहीं है कि पूरी पॉलिटिकल एलीट को नंबर वन एनिमी डिक्लेयर कर दें। ना ही आपने, नहीं नहीं ब्रिगेडियर साहब, नहीं मेरी बात सुने ब्रिगेडियर साहब, मेरा आप सवाल ले लेना, ब्रिगेडियर साहब आप सवाल ले लें, ब्रिगेडियर साहब आप अपनी, ब्रिगेडियर साहब मेरा सवाल ले लेना, ब्रिगेडियर साहब सवाल ले लें, आप अपनी फौजी अदालत लगा के इस तरह के फैसले नहीं दे सकते। आपसे सवाल यह है कि जिस माइंड सेट की आप बात कर रहे हैं, अब सवाल सुन लें आप जिस माइंड सेट की आप बात कर रहे हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कौमी एक्शन प्लान के तहत मदरसों के हवाले से इस्लाहात हो रही हैं या नहीं, आप तज्जिया दें। हमने बतौर तज्जियाकार आपसे रिक्वेस्ट की है कि खैबर पख्तूनख्वा में मदरसों के हवाले से इस्लाहात कितना बड़ा चैलेंज है और बात करनी है, तो देन आई विल गिव यू कंप्लीट आंसर, अदरवाइज यू कैन क्लोज दिस। नहीं, मुझे बताएं मदरसों के हवाले से, आप बताएं ना, आप डिफेंस एनालिस्ट, कितना बड़ा चैलेंज है मदरसों में इस्लाहात का खैबर पख्तूनख्वा में? आपको मैंने जवाब दिया, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो पहली चीज ये कि आदमी में पेशेंट होना चाहिए, सुनने का भी, बर्दाश्त का भी, और ये जिसमें नहीं है वो नहीं अच्छा सियासतदान है, वो नहीं अच्छा ब्यूरोक्रेट है। हमें कम से कम मीडिया के ऊपर आते हैं और इस तरीके से अपनी चलाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम इसकी क्रेडिट ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को हम सब ने मिल के इस ऑपरेशन का फैसला किया, और पूरी पार्लियामेंट के अंदर सब ने मिल के मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला किया, हम उसकी क्रेडिट सारी पोलिटिकल पार्टीज़ को देते हैं, मगर जो अच्छी चीज़ें हैं तब सारी पोलिटिकल पार्टीज़ लेती हैं, मगर अगर उसके अंदर किसी चीज़ के ऊपर फैला जाता है, कहीं पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, हमने तब भी कहा कि इस नेशनल इलेक्शन प्लान को मिलके देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। उसी वक्त ये गवर्नमेंट को इस तरीके से प्रेशर देना कि फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन थी। इस वक्त भी पाकिस्तान 10% जो मदरसों की बात की, 10% भी 6000 मदरसे होते हैं, 10%। अब उसके अंदर वो आप देखेंगे कम से कम रजिस्ट्री जो है
जो उनको जो देखना था उसमें पंजाब में भी बड़े पंजाब के अंदर टॉप नहीं है। सबसे ज्यादा जो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला मसला है वो सबसे ज्यादा नंबर वन पे सिंध में, नंबर सेकंड के ऊपर केपीके में। सिंध के अंदर आप जाएं अगर मीरपुरगास डिवीजन जेकाबाद वगैरह, आपको अंदाजा ही नहीं है कि क्या हुआ है। अगर आप उस अंदाजे के ऊपर जाएंगे ना तब जाके आपको पता चलेगा कि नंगर पार कर कौन है। अब मदरसों से जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ा के बता रहा हूं। उधर तालिबे लंबी है, उधर कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हमें अच्छी चीज है, अच्छी बात। मगर बात यह है कि हमें नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर पूरी इंप्लीमेंटेशन, बात को थोड़ा आगे बढ़ाना ना डॉक्टर साहब, मदरसों से निकलना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताया ना, नेक्टा एक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो 2008 में बनी थी पीपल पार्टी के दौर में, उसमें कुछ नहीं हुआ लेकिन आपकी हुकूमत आ गई, वो नेक्टा आज तक जो है उसको दफ्तर नहीं मिला। ठीक है, आपकी हुकूमत को तकरीबन 3 साल हो गए हैं लेकिन आज तक नेक्टा को दफ्तर नहीं मिला, ना ही उनका जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बना है, ना ही उनका स्ट्रक्चर बना है। लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, तो आप लोग नेक्टा तक का एक अदारा तो बना नहीं सके जो कि कौमी एक्शन प्लान का एक अहम नुकता था। देखिए मैं ये मानता हूँ, पहली चीज़ ये कि नेक्टा नहीं बना, ये गलत है। नेक्टा बना है और नेक्टा के कुछ फंड रिलीज भी हुए हैं। कौन सी चीज़ है 20 नुकात में, चाहे नेक्टा हो, चाहे प्रोविंशियल नेगलिजेंसी हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट की हो, नेक्टा की बात, उन नेगलिजेंसी को देखने के लिए एक रिव्यू किया गया। रिव्यू के अंदर ये देखा गया कि फॉल्ट कहाँ पे है। उस रिव्यू के अंदर अगर हम में कोई फॉल्ट है तो हमें उसको बेहतर करना है। इंटीरियर डिपार्टमेंट के अंदर किसने रिव्यू किया? देखिए ना, एक पूरी जो नेशनल एपेक्स कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, डिफेंस मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, सारे बैठे हैं। क्या चीज सामने आई, वो लोगों को बताएं उनके क्या सामने क्या है। हर चीज देखिए ना, हर चीज आप कहें कि जो एक इंटरनल अगर जो बात होती है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के हेड इन कैमरा सेशन में बोलेंगे तो उनको सारी ब्रीफिंग मिलेगी, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेक लगा हुआ है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए इकट्ठी थी, आज भी इकट्ठी है और कल भी इकट्ठी होगी। मगर हमें क्रिटिसाइज से निकलना चाहिए, हमें एजेंडा, और जो इदारे काम करें हम कहेंगे वो इदारे इन्वॉल्व है या हम कहेंगे रहा इन्वॉल्व है। भाई ये किसने कहा इन्वॉल्व है? देखो जो भी कहते हैं, जो भी इन्वॉल्व है, किसने कहा है? आपने नहीं, जो ने कहा ना हमारी एजेंसियां कर रही है, हम कहते हैं किसने कहा एजेंसियां? आपको पता है बार क्या मुझसे नाम लिखा जी चौहान साहब? देखें बार बार एक देखिए एक सेकंड में, क्योंकि सिंध का एक बड़ा अहम रोल है इस कौमी एक्शन प्लान में। टेरर फाइनेंसिंग और टेरर फंडिंग के हवाले से भी सख्त इकदाम करने की बात की गई थी, जिसमें FIA का एक किरदार था, बैंकों का किरदार है और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी किरदार है। अब सिंध के अंदर टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जब बात आती है रेंजर्स की कार्रवाइयों की और रेंजर्स के अख्तियार की, तो आप लोग तो बाकायदा मुजामत करते हैं उसकी, और फिर आप कहते हैं कौमी एक्शन प्लान के ऊपर आप लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। तो ये टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा तो नहीं लगता? क्या हो रहा है ये सिंध में? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हमने कभी इस पे, हमने अपने ख्वाहिश पे वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया है और बहुत पहले से शुरू है, आपको पता है कि लिया सिर्फ कराची में, कराची में, क्योंकि सिंध में मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान में अगर सबसे अच्छे हालात है तो वो सिंध। तो कौमी एक्शन प्लान सिंध के वाले से सिर्फ कराची तक महदूद है? मैं नहीं जी, अगर अच्छा। वहाँ पे मसला है तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर किसी और जगह पे अगर आपने कभी रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे बेन तंजीम का सरबराह है, अगर आपने कभी ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ पे सन तालिबान नाम का कोई चीज़ है, अगर आपने ये रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे बेन तंजीमों के मराकज है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम तो हर जगह इसके पीछे जाना चाहते हैं। जहाँ तक कराची में, हम उसको वेलकम करते हैं, हमने तो उसको वेलकम किया है, हम तो के, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें एक साजिश की गई। पूरे मुल्क में तो एक जगह पे ज़रब आज़म पे अमल दरामद हो रहा था और नेशनल इलेक्शन प्लान पे कराची में, वहाँ भी चौधरी निसार साहब ने भरपूर कोशिश किया कि दो इदारों को आपस में लड़ाई, सिंध गवर्नमेंट को और फोर्सेस को आपस में लड़ाई। उन्होंने रेंजर से लड़ाई कहाँ से आ गई इसमें? ऐसे लड़ाई आ गई, ऐसे लड़ाई आ गई कि जो आप कह रहे हैं कि उधर लड़ाई हो रही है, लड़ाई नहीं हो रही है। हाँ। चौधरी निसार ने कोशिश किया लड़ाने का। आपके ख्याल में लड़ाई हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। अच्छा? अगर शाह साहब जितना भी लोग कुछ कहे कि सो रहा था, जाग रहा था, कुछ भी, अगर शाह साहब जैसा बंदा नहीं होता जो उन्होंने हमेशा से आग पे पानी डाला है, बर्दाश्त का काम लिया है, क्योंकि रेंजर जाके सन गवर्नमेंट के सेक्रेटरियों को उठाया है जो इनका हक नहीं था, क्या कुछ नहीं किया। मैं अगर दोहराने पे आ जाऊं तो टॉपिक किसी और जगह पे चला जाएगा। मैं दो चीजों का अर्ज, मैं आपकी तरफ आता हूं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपसे गुफ्तगू करते हैं, एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक अपना अपना गरेबान में। बात हो रही है टास्क फोर्स की, जिसके हवाले से कहा गया है कि अब कौमी एक्शन प्लान की निगरानी के लिए इसे बनाया जाएगा। अभी तक ये मालूम नहीं कि उस टास्क फोर्स की सरबराही कौन करेंगे या उस टास्क फोर्स में अराकीन कौन से होंगे। हमें हमारे साथ मौजूद है खानजादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। चट्टान साहब, ये बताएं, अभी सिंध के अंदर रेंजर्स जो कार्रवाई का अख्तियार के हवाले से कह रहे थे कि हमारा अख्तियार है, उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अख्तियारात में तोसी तो हो गई है, मगर अब जबकि कोयटा का इतना बड़ा सानिया हुआ है, कौमी एक्शन प्लान के ऊपर टास्क फोर्स बन रही है, तो क्या अब सिंध के अंदर भी रेंजर्स कार्रवाइयाँ कर सकेंगे? रेंजर के पास तो सिंध में इख्तियारात है, स्पेशल इख्तियारात नहीं है जो पुलिस के पास है। अच्छा, बाकी तो उनके पास इख्तियारात है, वो क्या वो कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, मतलब के 90 दिन के लिए वो 90 दिन के लिए रिमांड में नहीं रख सकते, अगर पकड़ते तो पुलिस के हवाले करेंगे, क्योंकि अंदरूनी सिंध के हालात ऐसे नहीं है। जहाँ तक मरकजी हुकूमत का ताल्लुक है, हमने नेशनल इलेक्शन प्लान क्यों बनाया था? दो वजूहात की वजह से कि हमारे मुल्क को अंदरूनी खतरात है और बैरूनी खतरात है। तो अंदरूनी हालात हमारे ये है, हम इन लोगों से क्या तवक्को करें कि ये हमारे लिए क्या करेंगे? अंदरूनी हालात ये है कि इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दिफा और वजीर दाखिला कह रहे हैं कि हमारे 2 साल हो गए, हमने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाए हैं, तो आप क्या नेकटा कायम करेंगे? अच्छा दोस्त, ये तो अंदरूनी हालात है। वजीर दाखिला कह रहे हैं कि मुझे तो वजीर दिफा का ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो आर्मी से खुद मिल सकता हूँ। अच्छा बैरूनी हालात हमारे ये है कि हमारे पास कोई वजीर खारजा नहीं है। हम कहते तो हैं कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, क्या ये जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, जितनी सबूत हमारे पास है और हो रही है, मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, मुझे पता है कि हो रही है, जब हो रही है हमारे पास सबूत है, तो क्या हमने अपने टैंक्स को, हमारे जो सुपरा है, जो सफारतखाने हैं, उन्होंने कभी कोशिश किया है कि वो दुनिया को इकट्ठा करे, इंटेलेक्चुअल को बुलाए, लोगों को बुलाए, उसको बिठाए, इसके सामने वो सबूत रखे कि ये देखो भाई आम पे तो जंग एक चीज का दो लफ्ज का मुझे मैं सिर्फ दो लफ्ज का अगर आप दूसरे बात मैं आपसे कैसे क्वेश्चन दूसरी बात ये कि नेशनल इलेक्शन प्लान सिर्फ कराची के लिए नहीं बनाए, पूरे मुल्क के लिए है। या तो ये मुझे बताए मनावा पुलिस स्टेशन में हमला नहीं हुआ, जो हमारा बॉर्डर है वाघा पे हमला नहीं हुआ, जीजकेओ पे हमला नहीं हुआ, कामरा पे हमला नहीं हुआ, अभी जो लाहौर में पार्क पे, ऐसे में कितने हमले आपको बता दो, हमले सीए के दफ्तर पे हमला हुआ है। तो मुझे आप ये बताएं कि पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है इस पे अमल? ये बड़ा एक आम सवाल है। मैं अमजद साहब, मुझे तो ये बताए ना कि अभी ये भी तय हुआ है कि विफाक और सूबों के दरमियान भी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है उसको बेहतर बनाया जाएगा। ये अभी कल भी ये फैसला हुआ था कि वफाक से सूबों को भी जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। तो आपकी हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत का इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से कितना रबता है और कितना बेहतर कोऑर्डिनेशन है? देखिए, सबसे पहले हमने कल भी नेशनल असम्बली के अंदर कहा कि हमारा गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफ है, रहेगा, लेकिन दहशतगर्दी के ऊपर हमारा जो हमने इसके ऊपर इत्तफाक किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोऑर्डिनेशन है। देखिए, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनका केपीके वफाकी और सूबाई हुकूमत का है कि नहीं है? मेरे ख्याल में है, है। आप मुतमईन हैं उससे? और अच्छी, देखिए वो गवर्नमेंट बता सकती है कि उनका किस हद तक, लेकिन आपकी जो तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उसको कोई शिकायत नहीं है इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से? देखिए, चूंकि ये इंटेलिजेंस इदारे और वो बेहतर समझते हैं कि हमारे जो वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट के जो सूबाई हुकूमत के इदारे हैं वो बेहतर बता सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वसाइल भी मजीद फराहम किए। देखिए वो हम देखिए सबसे पहले हमने क्या किया वहाँ पे कि केपीके गवर्नमेंट ने जितने भी ये इदारे थे इन्हें सियासत से पाक किया है, और आज आप वहाँ के पॉलिसिंग का निज़ाम देखें तो हमने उसे सियासत से पाक किया है, वहाँ पे कोई आपको सियासी मुदाखलत नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आज उसकी कारकर्दगी जो है हम समझते हैं कि बहुत बेहतर हुई है। चट्टान साहब मुस्कराते हैं आपके, ये कल परसों की बात है कि इनके एक एमएनए के वालिद साहब को मुराद सईद साहब के बात पर आप देख लो वो और उन्होंने वो पुलिस वाले को कुछ भी ऐसा नहीं हवा में बात चले वो ट्रैफिक। अच्छा देखिए वहाँ पे जो सिस्टम हुआ इदारों ने, कौमी इदारों ने माना भी सही कि केपी गवर्नमेंट ने इस में बहुत काम किया है और यकीनन उसके समरात भी आए हैं कि जहाँ दहशतगर्दी के डेली 5-6-7 वाकयात होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी रेशियो जो है वो थ्रू आउट द ईयर बहुत ही
हम समझते हैं कि बहुत बेहतर हो गई है। देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये, हमने नेशनल असम्बली में कल भी कहा है कि आपको जो चीज़ मतलब आपको रुकावटें हैं आप क्यों नहीं बताते हम नेशनल असम्बली, आपके ख्याल में क्या रुकावटें हैं? देखिए ये बताएं ना, नहीं आपके ख्याल में क्या ये देखिए ये बता सकते हैं ना कि हमें जो 20 नुकात हैं उनमें क्या चीज़ जो है वो क्या रुकावट आ रही है, क्या उसमें हर्डल्स हैं और किन नुकात पे अमल दरामद। अच्छा चलें मुझे ये बताएं कि जो टास्क फोर्स की अब बात हुई है, आपके ख्याल में ये टास्क फोर्स बनाना ज़रूरी है या प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और तमाम लोगों को खुद बाकायदगी से हफ्ते में या महीने में बैठ के सबसे पहले जो है वो आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। वो तो ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है, नीयत सबसे बड़ी चीज़ है। नहीं वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन वो ये खुद तो बताते हैं नीयत ठीक होती तो आपके ख्याल में नीयत ठीक है या नहीं है? देखो आज अगर नीयत ठीक होती गवर्नमेंट की तो आज फौज और ये क्यों अलहदा अलहदा चल रहे होते और फौज मतलब अपना काम करिए ये क्यों अपना काम नहीं कर सके, जो तीन जो हिस्से हैं तीन उसमें ये अपना क्यों काम नहीं कर सके, उसकी वजूहत यही थी कि आप जैसे खुद कहा आपने कि नेक्टा के ऊपर इन्होंने कितना काम किया, अब नई टास्क फोर्स बनाए बिल्कुल बनाए लेकिन क्या वो से इतना इफेक्टिव बनाया जाएगा ये भी सवाल है। जी डॉक्टर साहब मतुल्ला जान, पहली चीज़ तो ये कि आपने क्वेश्चन पूछा ISI और IB, हमारे पास फेडरल में दो इदारे ISI और IB की पहले दिन जैसे नेशनल इलेक्शन प्लान बना, जो भी हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो हमने फुल फ्लेज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ की, अगर वो फुल फ्लेज हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ नहीं करते तो वहाँ पे जो इस वक्त तक जो भी मतलब हमने आप कायम अली शाह को भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देते रहे, वहाँ पे कायम अली शाह साहब एक चेयरमैन कमेटी के जो आप बंदे गिरफ्तार करने से पहले उनकी उनको बताते भी नहीं थे, उनका जो गिला रहा है सिंध गवर्नमेंट, आप कहते हैं शेयरिंग की, आप हर चीज को नेगेटिव में नहीं लेके जाए। इंटेलिजेंस शेयरिंग क्या होती है? इंटेलिजेंस शेयरिंग का मतलब यह है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे दहशतगर्दी नेटवर्क है, किस चीज की, क्योंकि जब भी ऐसी कोई ऑपरेशन होती थी मगर सिंध के अंदर ये रुकावटें होती थी। साईं कायम अली शाह साहब बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे मगर कायम अली शाह साहब के ऊपर जो नाजुक लोग थे ना, जिन लोगों ने भी रुकावट पैदा की, आज रेंजर्स जो है क्योंकि उसकी जो शेयरिंग होती थी वो हमेशा कुछ इशारे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाते थे, यही वजह थी कि सिंध के अंदर कराची के अंदर स्पेशली 15-15 लोग डेली जो है वो मरते गए, शहीद होते गए, मगर उधर पॉलिटिकल पार्टीज जो भी दोनों हुकूमत में थी उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी तो इस वजह से उधर काम नहीं होता था। अब होगी मतलब देखिए ना, हमें इस मुल्क को क्योंकि हमें आज भी हमें इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है, हम क्रिटिसाइज से निकल के हमें प्रैक्टिकल काम पे जाना है। आज जैसे अमजद साहब ने माना कि फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसी हवाले से मिलकर काम किया है, तो मैं समझता हूं ये प्रैक्टिस चारों सूबों में ये है और होनी चाहिए। हमें बैठ के आज अवाम के सामने ये मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि हम इसी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इकट्ठे नहीं है, हमें ये अवाम को एतमाद में लेना चाहिए कि हमारी सियासी पॉलिटिकल पार्टीज आज ये 13 और 14 तारीख को ये खान साहब के धरने जो ना ये वक्त नहीं है, वो मैं आज वो भी उनको बताऊंगा, आज फिर वो वक्त है कि ये बैठे इस मुल्क को आज आपकी और मान जाए हमने तो कहा है, देखो ना पाकिस्तान आज देखिए हमने पेश किए जो आपकी आपकी एजेंडा उसमें आप आ जाए ना, आपकी एक एजेंडा है वाला मुतालबात से 10,000 हो जाए, आपकी एक एजेंडा, इनकी पनामा इशू ही नहीं है, इनका इनका तो हमारे लिए यार आपने